वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह। क्या बोलती है पब्लिक? पार्ट नंबर 3 और इसके अंदर हम लोग बताएंगे बाड़ा नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 भी बताएंगे और 90 प्लस जो अंडू का बाड़ा है वो भी बताएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बाड़ा नंबर 11 पे। ये 11 है, 11 12 के बीच में जाने से पहले बता दो मैं, ये मैं अपना हाथ फ्रैक्चर वाला साइन दिया हुआ मैक्सिमम बकरे एड़े इसके अंदर। तो ये मालूम पड़ेगा जब अपन अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये लोग खींचते हैं। बोले आओ हम लोग तुम्हारे को धोते हैं। हाँ तो चलते रहे, मैं दिखाता हूँ आगे। और ये सिर्फ कोटे ही ना भाई, मैक्सिमम ये बाड़े में कोटे ही है। चलते रहो चलते रहो, मालूम पड़ेगा। इसके अंदर भी एक केज क्यों खाली है मतलब? ये देखो केज की तो दो दिन पहले वाट लगाया एक बकरे ने। अब ये भी तो जाता है एक्सपेंस पे। जो मतलब बकरे आप पलाई पे देते हो 3,500 रुपये जो भी पलाई देते हो उसके अंदर सिर्फ फीड नहीं रहती है, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। वैक्सीनेशन के साथ में कोई भी आइडन चार्जेस नहीं। अब इस तरीके का काम होता है, कैरेट कुछ बकरे तोड़ देते सिंग मार मार के। ये साल तो बहुत तोड़ रहे, ये साल तो बहुत सारे कैरेट टूटे। चलो चलो भाई, और ये साल तो बकरों ने अलग गेम बताया, रस्सी भी काट रहे, रस्सी काट रहे, रस्सी भी काट रहे। तो हर साल ले लोगे ना कुछ ना कुछ सिखा रहे अपने। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड में हर टाइम पे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, अलग ही सीखने मिलेगा। ये सब रेडी खड़े हैं बस मारने के लिए। सब कोटे हैं, जो कोटे लवर है उनको मजा आएगा, ये उनको मजा आएगा ये पोर्शन, एटलीस्ट ये पोर्शन देखने के लिए। डेडिकेट टू कोटा गोट्स 12 नंबर 11 और 12। तो जो आए 11 12 में जो कोटा लवर्स है वो जरूर इस बाड़े में जाए ये बोर्ड पढ़ के। आएंगे आएंगे, चलते बाड़ा नंबर 13 और 14। हाँ इसमें थोड़े शरीफ भी है, थोड़े बदमाश भी बदमाश है जो अपन नहीं बेचे हुए बोर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिक्स है, मालवे है, इसमें मालवा है, बोर है। इंशाल्लाह ये बोर की भी जगह इन फ्यूचर हो सकता है चेंज होगी, क्योंकि अपन ने डेडिकेट किए हैं कुछ बाड़े बोर के लिए, तो इंशाल्लाह शिफ्टिंग होगी उनकी भी। इसमें तो कोटे मिक्स है, बोर है, लास्ट में बोर ही है, बोर भी ये टाइम बहुत है, बहुत ज़्यादा है बोर। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीफ है। अब इसके बाद में चलते हैं बाड़ा नंबर 15 और 16। तो बाड़ा नंबर 15 और 16 में मैक्सिमम 16 नंबर बाड़े में बोर ही रखे हुए। तो इन फ्यूचर हम लोग जो बाड़ा नंबर 13 और 14 में बात किए थे कि बोर यहाँ से शिफ्ट होंगे 15 में आ जाएंगे, तो हम लोग 15 और 16 पूरा डेडिकेट करने वाले बोर के लिए। तो अब जब नेक्स्ट टाइम पे आओगे हो सकता है मार्च में, तो आपको देखने मिलेगा कि बोर सब एक साइड बोर नहीं है, बोयर बोलते हैं, बोयर। तो बोयर गोट्स एक लाइन में दिखेंगे आपको। तो फर्स्ट आपको बताते बारह नंबर 16 ये बोर है, ये मुस्तकीम का बोर है ये। और ये रेहान अंसारी भाई गोवंडी का ये बोर ने अपने को बहुत सताया, काफी पहले आया था, बहुत काफी पहले आया था, बकरीद के टाइम पे ही आ गया था, बकरीद के बाद में प्रॉब्लम आ रहा, 3 महीने तक बीमार रहा, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको आया थी। अभी इसकी फ्रेमिंग देखो यहाँ, माशाल्लाह ये भी है, ये भी अपन ने बेचे, ये भी अपन ने बेचे, ये भी अपने थ्रू बिका हुआ, ये भी है। बोर के बीच में एक मालवा आ गया, तो ये एक्चुअली ये भी केज खाली होएगा, इसको भी पंच करना है, तो इसके जगह पे बोर आ जाएगा। यहाँ पे है लास्ट भी बोर है, सामने ही बोर है, सामने ही बोर है, ये है मेवाती अजय का बकरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाड़ा नंबर 16 तक अपन कंप्लीट हुए, अभी 17 पे जाते हैं। पूरा बाड़ा डेडिकेट टू फीमेल्स है, और उसके पीछे जो बच्चे अपने यहाँ पर हुए हैं
होने के बाद में जो 3 महीना क्रॉस कर लिए और 3 महीने के ऊपर हो चुके तो उसको पीछे के बाड़े में अपन रख देते हैं, जो पीछे है 17 के अंदर ही छोटा एक बाड़ा है तो वो पीछे थी। ये फीमेल गोट सब कस्टमर की? एक ही बर्बरी अपनी है, बाकी सब कस्टमर्स की। ओके, कस्टमर्स की है, मतलब अगर कस्टमर सिर्फ बकरी देता है कि भाई आपके पास तो इतने सारे नायाब ब्रीडर्स है तो मैं बकरी भेजता हूँ, आप किसी से भी क्रॉस करा लेना, वो काम मालूम तो पड़ेगा नहीं ना, वैसे भी बकरे में से कौन सा गोश्त कम हो जाना है। हाँ, मैं तो वैसा करता नहीं हूँ क्योंकि वो गलत बात है। अगर फॉर एग्जांपल तेरी चीज़ है, तेरी इजाज़त बिगर मैं किसी से क्रॉसिंग करा रहा है, हाँ, तो गलत चीज़ है। मतलब फीमेल अपनी, हाँ, फीमेल मेरी बकरा दे रहा, मैं तेरे को पूछा ही नहीं है और उसकी ब्रीड लाइन ले रहा हूँ, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो फोन आते तो लोग पूछते हैं, ऐसा बोलते बोलते मेरी बकरी है आप वहाँ पर रख दो, आपके यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं। मैं बोला भाई मैं वो काम ही नहीं करता, जिसके बकरे मेरे पास है उनकी ही फीमेल। तो इसमें जितनी फीमेल्स है मतलब उनके बकरे अपने पास है, सब कस्टमर की है और उनके मेल गोट्स है अपने पास है, तो उनकी ही फीमेल अवेलेबल। ओके, ये वॉल दिखाएंगे अपन, यहाँ पे तो अपना आम का झाड़ है जिसमें अभी इस साल थोड़े कम मगर आ रहे हैं आम। आ रहे थोड़े ही है, 2 साल बहुत अच्छे फल दिए थे, ये साल मेरे ख्याल से बहुत कम फल है, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ है उसने जो भी मिले, सबर का फल, सबर का फल मीठा है। ये वॉल को पेंटिंग करा है हमने, यहाँ पे दूसरी वॉल पे है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर किंग, और उसके साथ में एक कुछ अलग चीजें करने की कोशिश की है हम लोगों ने, ताकि वॉल अच्छी दिखे, फार्म लुक अच्छा दिखे। ओके, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी, वेस्ट डस्टबिन है यहाँ पर भी आप कचरा यहाँ पर फेंक सकते हैं, हर बूथ के पास एक डस्टबिन आपको मिलेगा या सामने मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ये 90+ और इसके अंदर ये 90+, ये वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से मैक्सिमम गोट्स नंबर ऑफ गोट 90+ ही है। कुछ इसमें है जो उससे थोड़े कम है पर वो उनको कुछ वजह से रखा गया है, बाकी 99% 90+ ही है, 99% है, 1% कोई एक ही बकरा है उसके अंदर जो हमने कुछ वजह से वहाँ पे रखे, नहीं आ रहा था इसके पीछे। हमारे क्या है पहले वो दिखाते फिर 90+ में जाएंगे अपन। पीछे ये हमारी खेती है, इसके अंदर वेजिटेबल फार्मिंग है, जो हम लोग टमाटर उगाए हैं यहाँ पर, जो अभी हरे हरे दिख रहे टमाटर वहाँ पर है, इसके अंदर मिर्ची आई है, वो मिर्ची है। अभी अंदर चलते हैं अपने, ये क्या है भाई? ये मिर्ची है अपनी। भाई मिर्ची कहाँ कहाँ लगती है? मिर्ची है ना, ये एक तो खेत में लगती है और दूसरी जगह जबान पे लगती है, और जो तू सोच रहा है ना उधर भी लगती है, लगती तो बहुत सारे जगह पे लगती है और लगती है तो ऐसी लगती है कि भाई पूछो मत, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बीज और डाले हैं, पानी इनको चालू है तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर भी मिर्ची है, मिर्ची बहुत लगा के रखे, बहुत आग लगा रहे, आग लगा रहे। चलो आ जाओ, अभी 90+ दिखा, 90+ बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत मिर्ची मिर्ची है, ये मिर्ची की भाजियाँ बनाएंगे क्या? I love मिर्ची। टमाटर भी आ रहे। Hello guys, आ गए। हमारा नंबर 90+ में पहला बकरा, माशाल्लाह ये तो कोहिनूर है, उसका नाम भी कोहिनूर है। नाम भी कोहिनूर है, मुझे पता है नाम, ऐसे बोल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बकरे सींग नहीं घसने का रीजन भी ये ऐसा है कि हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट, थैंक्स टू मोहसिन खान जिन्होंने विजिट किए भाई आई डी वाले, विजिट करके हमको आइडिया दिया कि भाई सींग पे रस्सी बांधो, तो उससे बकरे ना सींग घसना कम कर देते हैं और सही में रिजल्ट मिला है, कम कर। अब देखते हैं कितने दिन तक वो उनको संभाल के रखते, क्योंकि 6000 PSI होस पाइप भी इन्होंने फाड़ दिया, रस्सी कितने दिन तक रख रही है पता नहीं। ये माल वाले भाई मुंह से खा गए सब बकरे, ये बेटा इतना अल्हम्दुलिल्लाह
सेल्फ फीडिंग हमारे यहाँ भराई नहीं है, हम लोग भराई के टाइम ही नहीं है मेन तो वो। बस अभी हमारा नेक्स्ट काम बकरे नहलाने का ही रहेगा, सब बकरे नहाएंगे, कस्टमर्स को वीडियो पहुंच जाएगी, कस्टमर्स को पता चल जाएगा। वही तो स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो का पार्ट पार्ट में बोला था, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी, मतलब हम लोग ने सब बताया केजेस और बकरे नहाए नहीं है, फिलहाल नहाएंगे, फिर इंशाल्लाह कस्टमर के पास अपडेट मिल जाएगी और वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो कोई भी बनेगी, कोई भी यूट्यूबर से बनेगी हमारे तो। ये क्या है, ये अपना नुकसान ये इन्होंने झरोगा बनाया यहाँ से वहाँ जाने के लिए, दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। थोड़े बाद हम लोगों ने फिर दो मुंडे बकरे यहाँ पे डाले, लेकिन जब तक हमारा काम हो गया था। ये देखो ये लगे है भाई, इसको 15 दिन पहले नहीं लाए थे। मैक्सिमम जिन जिन के बकरे और उनके बकरे सींग के ऊपर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो आप डरो मत, आपके भी बकरे के सींग पे रस्सी बांधी जाएंगी इंशाल्लाह, वो आपको जब आप विजिट करोगे तो आपको दिखेगा। बस मुक्तादिर भाई को बोलता हूँ फिनिश कर दो। अब ये बकरा देख नया नहीं, कितना साफ है माशाल्लाह, बाड़ा भी उसका साफ है। कुछ बकरे रखते हैं खुद को साफ सुथरा, साफ रखते हैं अपने आप, कुछ गंदा करते हैं खुद को। ये तो बकरा अपने पास बहुत छोटे से पला हुआ माशाल्लाह, नाजिक नाम है इसका, दूसरा साल है, ये तीसरा साल है ना, तीसरा साल, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, अल्लाह ताला इसको हयात ही दे। और ये यासर भाई का बकरा है यूके वाले, बहुत ही बेहतरीन हाइट माशाल्लाह 41+। केज में बकरे उतने समझ में नहीं आते, अच्छी बात है, अब बाहर भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बकरे नहीं समझ में आ रहे वो अच्छी बात, अच्छी बात है तो, लेकिन बाहर निकल के जब ईद के टाइम जाते टाइम पे यही बकरू की आप वीडियो करके या आप खुद फार्म पे आके विजिट करके देखोगे तो माशाल्लाह आपको मजा आएगा। ये अपना इसका नाम मंदूक रखा हुआ हूँ बाबू, ये लाड़ का लड्डू है, ये हम लोग का लाड़ का लड्डू है, इतना बड़ा केज भी इसको छोटा पड़ गया, ये खा पी के खत्म किया, खत्म करके आराम कर रहे हैं, आराम करो। मिर्ची खिला मिर्ची है किसी को मेरे बाबू मिर्ची शाइनिंग माशाल्लाह, ये तो ये कान है ना मुंह में लेके रहता है बादल है अब्दुल भाई का, ये शर्मीली आप है ये एक है जो 90 से कम है और यहाँ पर है, ये देखो इनको इनको अपना पीटर बॉक्स अंदर ही चाहिए, अंदर लेके बैठ के खाते पलटी मार के मस्त सो रहे। आदिल भाई का बकरा है मलार भाई, अबित भाई का, सॉरी अबित भाई, काटो तो 90+ भी फुल है, एक भी केज नहीं है खाली, चार केज खाली बताए जिसमें तीन केज लिटरली खाली है, एक मजबूरी में खाली रखना पड़ रहा है क्योंकि वो केज टूटा हुआ है, कल परसों वेल्डर जब भी आएगा वेल्डिंग करेगा जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमारे जो टोटल चार केज खाली है, चार में से ऑलमोस्ट चार बकरे यहाँ पर आ गए हुए, कुछ बकरे पंच करने के वो शिफ्ट होंगे, उसके बाद में हमारे को पता चलेगा, लिस्ट बनाएंगे कि और कितने केज खाली होंगे, इसके बाद में ये एक्सेप्ट करेंगे। तो रात में दो बकरे आ रहे तो चार और दो छः हो गए, तो दो तीन बकरों का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि तीन बकरे कौन से हमारे पंच करने वाले, उसके बाद में भी और लिस्ट है वो बनाएंगे बताएंगे इंशाल्लाह, और कस्टमर के पास अपडेट भी पहुँच जाएगी उसकी, और उसके बाद में हम लोग जो अंडू बकरे लेना है वो एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं पार्ट फोर के तरफ जाएंगे, ये पार्ट थ्री यहाँ पर ही एंड करते हैं, पार्ट फोर में हम लोग बताएंगे कि हमारा बाड़ा नंबर 18, 19, 20, 21
21 जो 90 प्लस है खस्सी होगा इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्मा फरमा बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पार्ट 4 देखना भूलना नहीं।